चुनावी रण में प्रत्याशियों की सूची जारी करने में कांग्रेस से आगे निकली भाजपा में अब शेष सीटों के लिए मंत्रणा शुरू हो चुकी है और कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री आवास पर बची 38 सीटों पर चर्चा के लिए कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी और संघ के पदाधिकारी चंद्रशेखर समेत कई वरिष्ठ नेता मंथन में जुटे। इस बीच अब तक टिकट से वंचित दावेदार भी सीएमआर के चक्कर लगा रहे हैं। गुरुवार को राज्य सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले परिवहन मंत्री यूनुस खान भी सीएमआर पहुंचे। इधर टोंक में भाजपा की ओर से अजीत मेहता को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पार्टी में बगावत तेज हो गई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित 21 प्रमुख पदाधिकारियों ने इसके विरोध में और पार्टी प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। उन्होंने जल्द ही प्रत्याशी नहीं बदले जाने पर महावीर जैन को निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने और पार्टी को सबक सिखाने का ऐलान किया। इस्तीफा सौंपने वाले पदाधिकारियों में जिला अध्यक्ष गणेश मांडूर, जिला महामंत्री पंडित महावीर शर्मा, हेमंत लांबा, जिला उपाध्यक्ष बैनी प्रसाद जैन और टोंक नगर परिषद सभापति लक्ष्मी जैन भी शामिल हैं। वहीं टोंक के देवली उनियारा सीट पर भी भाजपा में बगावत हो चुकी है। देवली उनियारा से वर्तमान विधायक राजेंद्र गुर्जर को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन पर ट्रिपल एम के फार्मूले पर काम करने का आरोप लगाया और प्रत्याशी को बदलने की मांग की। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता कुछ समय पहले एकजुट होकर आलाकमान और सीएम तक विरोध भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब टिकट की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने महापंचायत कर पूर्व प्रधान उदयलाल गुर्जर को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। खुद उदयलाल गुर्जर ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो मैंने पहले भी टिकट मांगा और संगठन ने टिकट दिया राजेंद्र जी को, हमने काम भी किया। अब परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जनता उनको, राजेंद्र जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। उस परिस्थिति में अगर गुर्जर को टिकट मिलता है तो मेरा अधिकार बनता है, इस आधार को समझ के ही अपन ने टिकट पार्टी से मांगा। समस्त जितने भी आलाकमान अधिकारी थे जो कमेटी में थे, अपन उनसे मिले, उनसे बात की, जो भी अपनी बहस थी उनसे मिले, सीएम साहब से भी मिले। अब सब बातों को की समीक्षा होने के बाद राजेंद्र जी को टिकट दिया गया। हमारा विरोध ये है कि भाई ना तो ये सीट निकाल सकते, ये ना एमएलए के दर्जे से यहाँ इलाके में खड़े उतरे, तो इनका विरोध है जबरदस्त। अब विरोध के कारण अगर टिकट कटता है तो फिर गुर्जर को मिलता है तो मेरा अधिकार बन। भाजपा की ओर से विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में श्री डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को टिकट दिया गया है, जिसके बाद सारस्वत का विरोध तेज हो गया है। वर्तमान विधायक कृष्णाराम नाई ने टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने अपना आगामी निर्णय लेने की बात कही। उन्होंने टिकट कटने के पीछे पैसों के लेन देन को बड़ा कारण बताया है। तो उनका क्या विचार आया, क्या हुआ है, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? मेरी टिकट काटने के क्यों काटे के कारण कुछ समझ में आया? कोई कारण का मुझे पता नहीं। तारचंद जी को मिली किस वजह से मिली और आपके क्यों? उम्र का अगर फैक्टर होता तो गोपाल जोशी को मैंने उम्र का फैक्टर नहीं था, इसमें कुछ लेन देन मतलब पैसा लेके टिकट दी गई है, पैसा लेके टिकट दी है, सत्ता यही है लोगों केंद्रीय नेतृत्व ने स्टेट नेतृत्व। भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद नेताओं का लगातार दल बदल कार्यक्रम जारी है। इस बार इसकी खबर आ रही है धौलपुर के राजाखेड़ा से, जहां पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोरा ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं। बोरा ने कहा कि पिछले 5 साल से भाजपा में रहने से उन्हें घुटन महसूस हो रही है, अब कांग्रेस पार्टी के मौका देने पर वे अपने बेटे विवेक सिंह बोरा को धौलपुर से चुनाव लड़ाएंगे और भाजपा को हराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से मेरे मित्र और शुभचिंतक भी इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाओ, कांग्रेस में मेरे मित्र बैठे हैं, अब अगर उनकी इच्छा हुई तो मैं अपने पुत्र विवेक सिंह को उनके लिए समर्पित कर दूंगा, जो पूर्व में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक रविंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युमन सिंह के परिवार से हैं।
पहले बीजेपी जो ज्वाइन की वो एक ही मुद्दा था, विकास। और किसी भी क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, मैं जब भी जाता हूँ विकास के मुद्दे में बात करता हूँ। वसुंधरा जी से मैं प्रभावित हुआ और अब उनको मैंने को विश्वास जाहिर किया है। सम्मानित सांसद दुष्यंत जी ने मुझे विश्वास जाकर टिकट दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरी बीजेपी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया। और पूरे राजाखेड़े के अंदर हम जो इलेक्शन का मुद्दा का विकास होगा, जो वसुंधरा जी ने पिछले 5 साल में किया, और भविष्य में विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं ये पुरानी पार्टी है, वापस लौटूंगा मुझे खुशी होगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बहुत प्रेम स्नेह दिया, लेकिन पिछले 5 साल से मैं इस पार्टी में बड़ी घुटन महसूस कर रहा था। उस समय मुक्ति चाहता हूँ, हो सकता है अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी मुझे, मेरे बेटा जो NSUI का प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, उसको मौका देती है, मुझे खुशी होगी। बाकी दबाव है मित्रों का, सहयोगियों का, आप वापस लौटो। मुझे भी कोई इसमें तकलीफ थोड़ी है घर वापसी। इधर भरतपुर में 3 बार से विधायक विजय बंसल को भाजपा ने एक बार फिर मैदान में उतारा है, जिसके बाद पार्टी में अंदरखाने विरोध के सुर पनपने लगे हैं। विजय बंसल को टिकट दिए जाने के विरोध के चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह और समर्थकों में नाराजगी है। पार्टी से नाराज जितेंद्र सिंह नाराजगी के चलते बागी प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के तहत नामांकन का गुरुवार को चौथा दिन है और महज 3 दिन और बचे हैं। ऐसे में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की निर्वाचन कार्यालय में भीड़ जुटने लगी है। गुरुवार को जयपुर जिले से 17 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे। इन प्रत्याशियों में आमेर से बसपा उम्मीदवार नवीन पिलानिया और सिविल लाइन विधानसभा सीट से अरुण चतुर्वेदी ने नामांकन भरा है। इन नामांकनों में सिविल लाइन से 3, आमेर से 2, झोटवाड़ा से 2, मालवीय नगर से 2, हवा महल से 3, सांगानेर से 2 और आदर्श नगर, विद्याधर नगर व किशन पोल से 1 नामांकन भरा गया है। इधर भाजपा की ओर से चोमू विधानसभा सीट से चौथी बार मैदान में उतारे गए रामलाल शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रामलाल शर्मा सीकर सांसद सुबेदानंद सरस्वती के साथ नंगे पांव ही SDM कार्यालय पहुंचे और पर्चा भरा। इसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वे इस भरोसे पर खरा उतरेंगे। उन्होंने चोमू में नदियों का पानी लाने के मुद्दे के साथ ही जनता के बीच जाने की बात कही। इसके बाद उनकी ओर से गढ़ गणेश मंदिर में जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसे सीकर सांसद सुबेदानंद सरस्वती और केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया और प्रदेश में 150 से अधिक सीटें भाजपा की आने का दावा किया। माननीय श्री रामलाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से चोमू विधानसभा की ओर से अपना प्रपत्र दाखिल किया है। रामलाल जी का जिस प्रकार का कार्य रहा है,
इनकी कार्यकुशलता, योग्यता और इनके काम के करने के तौर तरीके को देख करके पार्टी ने आप में विश्वास व्यक्त किया है। और मैं समझता हूं कि रामलाल जी पिछली बार जितने मतों से जीते थे, इस बार उससे कुछ अधिक जीतेंगे, क्योंकि इनकी विधानसभा के बाद में लोकसभा का मेरा चुनाव जो हुआ तो हम 50,000 मतों से जीते थे। तो इस बार हम 50,000 से पीछे नहीं रहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा और भारी बहुमत से जीत करके रामलाल जी आने वाली विधानसभा में जाएंगे और इस क्षेत्र का और अधिक विकास करेंगे, यही मेरा कहना है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत से बनाएगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस अवसर के ऊपर ये कहूँगा कि निश्चित रूप से उस विश्वास के ऊपर हम खरा उतरेंगे। माननीय सांसद महोदय के आशीर्वाद से आज नॉमिनेशन दाखिल किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जो हमारी जीत थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर और जनता के बीच 5 साल जो कार्य किए हैं उन कार्यों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उससे कहीं अधिक मतों से हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हम यह करेंगे। वहीं बीकानेर के कोलायत में भाजपा के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी को 8वीं बार विधायक बनने से रोकने वाले कांग्रेस नेता और वर्तमान विधायक भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार को नामांकन पत्र भर दिया। उन्होंने कांग्रेस की ओर से अपना नामांकन पत्र भरा। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने से पहले ही अपना नाम तय मानकर और इसके प्रति आश्वस्त होकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। इससे पहले उन्होंने देशनोक करणी माता मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और कोलायत उपखंड कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी रतन कुमार स्वामी को नामांकन पत्र सौंप दिया। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। जी अनिल जी, बहुत सारी मैंने अभी खबरें दिखाई, लेकिन उनमें मेन खबर है कि जो भाजपा है उसमें बगावत के जो सुर हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। टोंक में भी कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। उनियारा सीट पर भी असंतोष है, श्री डूंगरगढ़ पर भी असंतोष है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, 4-5 जगह असंतोष निकल के आया है। सबसे पहले बात करें टोंक की। टोंक में महावीर जैन जो मुख्य सचेतक रहे हैं भाजपा विधायक दल के पहले, वो उनका टिकट पिछली बार जब काटा गया था तब वो मन महसूस कर चुप होकर बैठ गए थे। और अजीत मेहता 5 साल विधायक रहे, नौजवान हैं और वो भी संघ परिवार से ही आते हैं, लेकिन अब 5 साल में उनके संगठन पर पकड़ बनाई उन्होंने और वो तैयारी में है कि वो निर्दलीय मैदान में कूदेंगे, बगावत करेंगे। 18-17 तारीख तक का उन्होंने समय दिया है आलाकमान को। 18 तक टिकट नहीं बदला गया तो 19 को वो या उनका कोई व्यक्ति मैदान में उतरेगा और टोंक में त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश करेगा। जहां तक देवली उनियारा के राजेंद्र गुर्जर का सवाल है, वो वास्तव में परेशानी में है क्योंकि उन्होंने 5 साल कोई बहुत विशेष काम नहीं किया। मैं उधर से निकलता हूं कई बार, देवली से लोगों को कहते सुनता हूं कि वो असंतुष्ट हैं काफी ज्यादा और वहां पर असंतोष भी पनपेगा और कांग्रेस का जो नाम आएगा मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला नाम होगा और उसके बाद में वास्तव में कठोर संघर्ष वहां पर होगा ऐसा लगता है उस इलाके में। जी। दूसरी बात है कि ये जो धौलपुर का घटनाक्रम है जी। ये बहुत ही विचित्र घटनाक्रम हुआ है कि एक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आता है जी। और उसको भाजपा में टिकट मिल जाता है 2 दिन बाद जी। और भाजपा का विधायक रहा हुआ व्यक्ति जो 5 साल पहले तक विधायक था रविंद्र सिंह और अपने चचेरे भाई से संघर्ष कर रहा था प्रद्युम्न सिंह जी से, दोनों चचेरे भाई हैं, ये सेठ अचलदास के परिवार से आते हैं। सेठ अचलदास आगरा से सांसद हुआ करते थे, दोनों उनके परिवार में हैं और दोनों चचेरे भाई हैं। और ये आपस में कांग्रेस भाजपा ने इनको लड़ाया तो कांग्रेस कभी जीतती है तो प्रद्युम्न सिंह जीत जाते हैं, भाजपा कभी जीतती है तो रविंद्र सिंह जीत जाते हैं। इस बार रविंद्र सिंह की जगह या रविंद्र सिंह के बेटे को टिकट देने की जगह वो उन्होंने प्रद्युम्न सिंह के चिर प्रतिद्वंदी बनवारी लाल शर्मा जो मंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे अशोक शर्मा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको धौलपुर से राजाखेड़ा लाके चुनाव लड़ा दिया भाजपा ने।
और राजा खेड़ा में अब रविंद्र सिंह के बेटे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये सुनिश्चित कर दिया। रविंद्र सिंह ने आज ऐलान कर दिया है कि उनके बेटे अब कांग्रेस में जाएंगे, पहले भी कांग्रेस में एनएसयू वगैरह में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे जी। और वो जाकर धौलपुर से चुनाव लड़ेंगे जी। बीजेपी कांग्रेस की टिकट पर कांग्रेस उनको टिकट देगी तो दे भी सकती है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह का काफी प्रभाव है। अगर प्रद्युम्न सिंह और रविंद्र सिंह का परिवार मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये लगभग अपराजित स्थिति में आ जाएंगे प्रद्युम्न सिंह जी। और प्रद्युम्न सिंह के प्रतिद्वंदी जो बनवारी लाल शर्मा, उनके बेटे को सीट बदलकर राजाखेड़ा जाने के बाद, पार्टी बदलकर कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद शायद काफी मुश्किलात का सामना करना पड़े रविंद्र सिंह और प्रद्युम्न सिंह के एक हो जाने के बाद। और रविंद्र सिंह का बेटा अगर आकर धौलपुर से लड़ता है चुनाव तो वो भी एक विचित्र परिस्थिति होगी, क्योंकि वहाँ कुशवाहा लड़ रही है जिन्होंने उपचुनाव जीता था, जिनके पति इस समय जेल में, पहले बीएसपी के टिकट पर वो विधायक चुने गए थे। कुशवाहा वोट बहुत है लेकिन फिर भी वहाँ चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। कृष्णा राम नाई का जहाँ तक हमने कल भी जिक्र किया था कि उनके बेटे का थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट में डेथ हुई है, बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद इससे दूसरा हादसा हो गया, उनका टिकट कट गया जी। वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लेन देन से ये हुआ है और वो भी बगावत का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कृष्णा राम नाई भी मानेंगे नहीं और शायद वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये तीन बड़ी बगावत की खबरें, चौथी हम पहले देख चुके हैं बड़ी सादगी से गौतम दत्त की, वो मुझे पता नहीं कि अब वो किस नतीजे पहुंचे हैं, परसों जिस तरह खम ठोक रहे थे अब तक भी वही बरकरार है या नहीं, वो शायद कांग्रेस की टिकट का इंतजार कर रहे होंगे। तो हमारी सूचना है प्रकाश बैरवा, प्रकाश चौधरी को वहां से टिकट मिल रहा है जिनको पिछले बार उन्होंने हराया था जी। तो प्रकाश चौधरी मैदान में होंगे, नए प्रत्याशी को टिकट दे चुकी है भाजपा, तो गौतम दत्त का क्या कदम होगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा दिलचस्प सूचना में मिली है कि राजेंद्र सिंह विदुड़ी को कांग्रेस आज टिकट देने जा रही है बेगू से वापस जी। और वहां फिर बगावत हो सकती है कांग्रेस में, और बीजेपी में पहले से बगावत है, तो चुनील लाल धाकड़ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के लोग बागी ये मिलकर एक तीसरा प्रत्याशी वहां उतार सकते हैं जिसको जनता प्रत्याशी का नाम दिया जाएगा, हो सकता है वो जनता सेना से उतरे जी। जो रणवीर सिंह भिंडर की जनता सेना है जी। जी, जी। अनिल जी एक सूचना मैं भी आपको दूंगी कि अभी कुछ सोशल मीडिया पे ये बात चली है कि राजकुमार रिणवा ने भी कल एक सभा बुलाई है और अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है जिससे आगे की रणनीति पे बात कर सके। हाँ, ये भाजपा की जो अंतिम सूची है उसका इंतजार कर रहे हैं वो, उसमें उनको सरदार शहर से चुनाव लड़ने की बात है लेकिन वो काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं कि रतनगढ़ से उनका टिकट उस व्यक्ति ने कटा दिया जिसको उन्होंने पिछली बार हराया था, वो भाजपा में आया बसपा के टिकट से पहले पिछला चुनाव लड़ने के बाद, और अब जो है वो आकर इसने भाजपा में एक मंत्री का टिकट कटवा दिया, रिणवा का, खुद ने टिकट ले लिया दो दिन पहले भाजपा में आकर, और अब रिणवा को कहा गया कि सरदार शहर से लड़ाया जाएगा नई सीट पर, वो कितने कंफर्टेबल होंगे क्योंकि नई सीट पर जो भंवरलाल शर्मा है वो कांग्रेस के बहुत बड़े भारी दिग्गज हैं और वो बीजेपी सरकार में भी नहर मंत्री रह चुके हैं, जनता दल में भी रह चुके हैं, और वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत की शासन की चूलें हिला दी थी, उनकी सत्ता पलटने का पूरा एक लेकर के मैदान में उतर गए थे, 18-20 विधायकों से बगावत करा दी थी, तो वो बड़े दिग्गज हैं और ब्राह्मण राजनीति के दिग्गज हैं, वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके सामने उनको भेजा जाएगा तो ब्राह्मण राजनीति में रिणवा का कद बहुत छोटा है भंवरलाल शर्मा के आगे, और रणनीति मामलों में भी राजनीति के मामले में भंवरलाल शर्मा होम पिच पर भी होंगे और वो दिग्गज आदमी है, उनको चुनौती देना आसान नहीं होगा, तो रणवीर सिंह तो थोड़ी रिणवा को जो है ये मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर वो सदा शेर भेजे जाते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी बड़े शेर के आगे डाला जा रहा है और इसलिए शायद वो सत्ता बगावत का रास्ता अख्तियार कर ले, वो कर सकते हैं, उनके पास काफी समर्थन है रतनगढ़ में, उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया 5 साल में, हालांकि किसी अच्छा काम भी किया हो ये मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी कई बार ये बात भी काउंट करती है कि आप किसी का नुकसान नहीं करो, अनावश्यक तबादले नहीं कराओ, परेशान नहीं करो, लोगों से बदले नहीं लो, इसके भी नंबर होते हैं जी। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।